कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक वेस्टर्न डॉल को आप इंडियन डॉल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देवी के 9 रूप मैं नवरात्रि के लिए बना रही हूँ। इन्हें आप डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये छोटी सी डॉल्स। ये बारबी डॉल के जैसी ही इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है और फेस थोड़ा सा डिफरेंट है, गोल गोल। और उसके अलावा मैंने लिया है सुंदर से फैब्रिक, कोई गोल्डन लेस, सीज़र और ग्लू गन। सबसे पहले हम इसका नीचे का हिस्सा नाप लेंगे। देखिए, हमारा केवल इतने से कपड़े में इसका लहंगा बन जाएगा। मैंने इसको बीच में से दो पार्ट कर लिए हैं और मैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ूंगी। इसको जोड़ने के लिए आप सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको चिपका के बना रही हूँ। ग्लू गन की हेल्प से मैं एक पट्टी को दूसरी पट्टी पर रखकर इसको चिपका लूँगी। अब हम एक तरफ पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी लेस काट लेंगे और पीछे की तरफ से ये जो किनारे हैं इनको मोड़ देंगे ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। ये सारा काम जो मैं चिपकाने का कर रही हूँ, ये आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें चिपकने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं ग्लू गन की हेल्प ले रही हूँ। या फिर आप सुई धागे से भी इस काम को कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा अब एक पीस तैयार हो गया, जिससे कि अब हमें लहंगा बनाना है। अब लहंगा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पीस को रखेंगे, जो घेर है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखिए, जिस तरफ हमने लेस लगाई है उसे हमने नीचे की तरफ रखा है और इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे हम इस लहंगे में। प्लीट्स डालेंगे, ये सुई धागे से भी आप कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, पर मैं इसको चिपका के बता रही हूँ कि कैसे आप चिपका के इसका लहंगा बना सकते हैं। ये देखिए, हल्की सी ग्लू गन लगाई और आगे वाला पीस को उठाकर उसके ऊपर चिपका दिया। इस तरीके से आपकी प्लीट आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से मैंने दूसरी प्लीट भी कर दी है। क्योंकि ये कपड़ा पूरा हैवी वर्क का है तो इसलिए थोड़ा सा चिपकने में इसको टाइम लगेगा, और पीछे की तरफ भी हम साथ साथ ग्लू गन लगाते रहेंगे ताकि ये बढ़िया सी हमारी प्लीट जो है सेट होती रहें। ये देखिए, इसके बाद इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे कपड़े की ऐसी प्लीट्स हमें बना लेनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने घेर वाला लहंगा चाहिए। अगर आपको कम चाहिए तो पट्टी को आप एक पट्टी में से भी लहंगा बना सकते हैं, पर वो फिर आपका घेर वाला नहीं बनेगा। ये देखिए, और इस तरीके से हम प्लीट्स डाल रहे हैं तो हमारे जो हमने बीच में से पार्ट जोड़ा था दूसरी पट्टी का, वो भी हमारा चिप जाएगा। हाँ, चिपकाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हैवी कपड़ा है। अगर आप प्लेन कपड़े का बनाएंगे या बिना वर्क के कपड़े का बनाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके से चिपका लिया है। पीछे की तरफ से भी हम प्लीट्स को एक दूसरे के साथ ग्लू गन से चिपका देंगे ताकि हमारी प्लीट्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। और आगे जो ये जहाँ पर हमने चिपकाया है वहाँ पर थोड़े थोड़े से ये ग्लू गन के रेशे आ गए हैं, इनको हम कट कर देंगे। अब हम अपनी डॉल को लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ये हमारा सही बैठ रहा है। ये देखिए, ये डॉल जो मैंने ली है इसके हाथ मूवेबल हैं और यहाँ पर मैं लगाकर देख रही हूँ। यहाँ पर हमारा लहंगा जो है, लहंगा हमें वहाँ पे सेट करना है जहाँ पे ऐसे ये डॉल खड़ी होने में कोई दिक्कत ना करे। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्लू गन लगाई आगे, सबसे पहले आगे लगाई है और उसके बाद पीछे लगाकर एक हिस्सा चिपकाया और फिर दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ऊपर लगाई ग्लू गन और थोड़ी सी नीचे भी लगा दी ताकि ये लहंगा पूरा बंद हो जाए। ये देखिए, हमारा गुड़िया का लहंगा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हमने प्लीट्स डाली थी उसको कवर करेंगे। एक कोई गोल्डन लेस ले लेंगे और उस गोल्डन लेस से हम इसको कवर कर देंगे और इस लेस को पीछे बांध देंगे। ये ऐसा लगेगा जैसे आपके लहंगे की बेल्ट हो। ये देखिए, अब हमारा जो ये दूसरा पीस है इसको मैं ऊपर डाल के देख रही हूँ, तो ये हम इसका दुपट्टा बनाएंगे, पर इसकी लंबाई थोड़ी सी कम लग रही है तो इसके साइड साइड में हम जो लेस है थोड़ी सी बाहर निकाल के इसको चिपकाएंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हर तरफ लेस लगाने वाले हैं। अगर आपको लेस हर तरफ नहीं लगानी है तो जिस तरफ आप नहीं लेस लगा रहे हैं वहाँ आपकी तरफ से आप किनारी को अंदर चिपका दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ग्लू गन का जब हम काम करते हैं तो वो ग्लू काफ़ी गर्म होती है और ये लेस थोड़ी सी छीदी छीदी होती है, तो इसमें गर्म लगेगा आपको काफ़ी। इसको हाथ से ना दबाएं, किसी पेन पेंसिल या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे मैं सीज़र के पीछे की तरफ से इसको सेट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसके जो है ये लेस लगा दी है। हमारा एक दुपट्टे का पीस तैयार हो गया है। अब हमें, क्योंकि इसको उस छोटी सी डॉल के सर पे सेट करना है और इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इस तरीके से मैं इसमें दो प्लीट्स डाल दूँगी जैसे हमने लहंगे में डाली थी। ये देखिए,
इस तरीके से मैंने इसमें भी दो प्लीट्स डाल दिया और इसको सेट करके एक तरफ रख दिया। ये हमारा डॉल का दुपट्टा तैयार हो गया है। अब हम थोड़े से इसके फीचर्स शार्प करेंगे। मैंने ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर लिया है, इसको OHP मार्कर भी कहते हैं। और अब डॉल के आईज़ के ऊपर एक हल्का हल्का सा एक एक आईब्रो का निशान है, आईब्रो से नीचे वाला उसको मैंने बहुत हल्का हल्का सा डार्क कर दिया। और नीचे आईज़ के एक एक आउटलाइन दी है, जैसे काजल हमने लगा दिया हो, हल्की हल्की सी आईलैशेस डार्क करी हैं। और ऊपर की जो ये आईब्रो है इसको देखिए, इसको हल्का सा मैंने इस तरीके से कर्व्ड शेप में दे दिया है। तो ये हमारा फेस पे जो हमारे थोड़े से फीचर्स हैं वो थोड़े से शार्प हो गए हैं। अब बाल जो हैं इसके पिंक हैं, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, पर मेरा मन इसको ब्लैक करने का है तो मैंने इसको ब्लैक मार्कर की हेल्प से ही फ्रंट का जो पार्ट है इसको पूरा ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसको ब्लैक कर दिया है। क्योंकि ये सिंथेटिक है तो कलर करना मुझे उतना ठीक नहीं लगा, पता नहीं सही भी रहेगा या नहीं। और मार्कर से ये बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था कि बाल ही जैसे ब्लैक हैं। ये देखिए, और दो मिनट में ये आपका फ्रंट का पूरा हेड जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है। अब मैंने हल्की हल्की सी इसकी लटे निकाल दी हैं। ये मैं नवरात्रि के लिए नवदुर्गा की एक देवी बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल उसको एक इंडियन लुक देना चाह रही हूँ। वो डेकोरेशन भी मैं आपको बताऊँगी। ये नवरात्रि डेकोरेशन का फर्स्ट पार्ट में मैं आपको डॉल कैसे बनाएंगे वो बता रही हूँ। अब मैंने रेड और वाइट कलर का फैब्रिक कलर ले लिया है और दो टूथपिक लिए हैं, कुछ डेकोरेटिव कुंदन, बॉल चेन्स और डेकोरेटिव लेस मैंने ली है। अब मैं इसके कानों के टॉप्स बना रही हूँ। टॉप्स के लिए मैंने यहाँ पर दो कुंदन चिपका दिए हैं, अलग दोनों कानों पर एक एक कुंदन चिपका दिया है। ये देखिए, क्योंकि मेरा लहंगे में हल्का सा रेड कलर है तो मैंने रेड कलर के कुंदन इसके कानों में लगा दिए हैं। आप चाहें तो गोल्डन लगा सकते हैं या फिर जो भी आपके पास हो। ये हमारी डेकोरेटिव लेस है, ये मैं बहुत सारे क्राफ्ट के काम में यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छे से यूज़ होती है, क्योंकि इसमें आप एक पीस चाहें एक पीस यूज़ करें, दो लड़ी चाहें दो लड़ी यूज़ करें, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसी से इस डॉल के आभूषण बना रही हूँ, हाथों के कंगन और गले में इस तरीके से एक वी शेप का वो हार जैसा भी लगेगा और ब्लाउज़ की जगह भी काम करेगा। तो इनको भी हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये अगर आपके पास लेस नहीं है तो इसकी जगह आप कोई सिंपल कपड़े वाली लेस भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी गोल्डन लेस दुपट्टे पर लगाई थी, या फिर बॉल चेन से भी बना सकते हैं, या फिर कुंदन को, छोटे वाले कुंदन को एक एक करके चिपका के उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रेड मार्कर ले लीजिए और उसी से चूड़ियों जैसी शेप बना दीजिए। ये देखिए, अब मैंने इसके गले पर इस तरीके से वी पट्टी लगा दी है। ये हमारा ब्लाउज़ का गला तैयार हो गया और ये क्योंकि गोल्डन है तो ये हार जैसा भी फीलिंग दे रहा है। और इसके बीच में जहाँ पे मैंने इसको चिपकाया है वहाँ पर मैंने एक कुंदन लगा दिया है, तो ये देखिए बिल्कुल एकदम हार जैसा ये लग रहा है। ये हमारा नीचे का हिस्सा अब तैयार हो गया है। अब हम इसका फेस थोड़ा सा मेकअप करेंगे। बीच में मैंने छोटी रेड कलर की बिंदी लगाई है, अगर आप ऐसी बिंदी नहीं लगाना चाहते तो आप फैब्रिक पेंट से बिंदी लगा सकते हैं। मेरे को बड़ी बिंदी अच्छी लग रही है तो इसलिए मैंने ये थोड़ी बड़ी लगाई है, आप चाहें तो छोटी बिंदी भी लगा सकते हैं। और अब मैंने जो है रेड कलर का और वाइट कलर का पेंट ले लिया है, फैब्रिक जो हमारे कलर्स होते हैं वो, और इसको लगाने के लिए मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही पतली बारीक बारीक बिंदियाँ लगानी है। ये देखिए, अब मैंने किस तरीके से इसको इस कलर में हल्का सा डिप किया, बिल्कुल ढक्कन में ही जितना कलर है बस उसी में हल्का सा डिप किया। और अब मैं बिंदियाँ लगा रही हूँ जैसे दुल्हन के पहले लगाया करते थे, उस तरीके की बिंदियाँ। ये देखिए, बहुत ही इससे आपका बहुत ही फाइन बिंदी बनेगी और एकदम बारीक बारीक जितनी हमारी डॉल की साइज़ की होनी चाहिए उस तरीके से ये आपकी बिंदियाँ बन जाएंगी। ये मैंने पूरी एक तरफ रेड कलर की बिंदियाँ लगाई हैं, फिर दूसरी तरफ रेड कलर की बिंदियाँ लगा रही हूँ मैं। और अब इसके बीच बीच में हम वाइट कलर की बिंदियाँ लगाएंगे। उसके लिए मैंने दूसरी एक टूथपिक ली है। दूसरी एक टूथपिक लेने के बाद अब मैं वाइट कलर की बिंदियाँ रेड कलर की बिंदियों के बीच बीच में लगाऊंगी। आप चाहें तो केवल बीच की बड़ी बिंदी लगा सकते हैं, या फिर आजकल जैसे नग आ रहे हैं पर वो थोड़े शायद इस डॉल के साथ बड़े रहेंगे, तो आप 3D ग्लिटर से भी इसकी बिंदियाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके बीच बीच में ये वाइट बिंदियाँ दे दी है। ये काफ़ी सुंदर इसका लुक आ रहा है, जो मतलब रियल में देखने में इस तरीके से पूरा का पूरा फेस हमने इसका मेकअप कर दिया।
और बड़े वाली बिंदी के नीचे मैंने एक छोटी वाइट बिंदी लगाई है और उसके ऊपर भी हल्की हल्की सी वाइट कलर की बिंदियों का एक सेमी सर्कल मैंने बना दिया है। इसको अब हम सूखने के लिए रख देंगे। अभी हमारे इसके होठ थोड़े से फीके फीके से लग रहे हैं देवी के, तो उसको थोड़ा सा डार्क करूँगी मैं। तो उसके लिए मैंने इसी से ही टूथपिक से ही कलर लिया रेड और उसके होठों को थोड़ा सा रेड कर दिया। ये हमारा अभी सूख जाएगा तब हम इस पर आगे काम करेंगे। क्योंकि मैं ये देवियाँ बना रही हूँ, नौ देवी का एक रूप बना रही हूँ, तो देवी के लिए मैं मुकुट बनाऊँगी। इस मुकुट बनाने के लिए मैंने ये हैवी एक लेस ली है, ये टुकड़े बचे हुए थे। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुकुट की शेप है। अगर मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी तो ये बिल्कुल एक मुकुट निकल के आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। ये इतना सुंदर लेस है अपने आप में कि अगर मैं इसको ऐसे भी लगा दूँगी तो ये मुकुट जैसा ही लगेगा। आप इस पर चाहें तो थोड़ा और वर्क कर सकते हैं। ये मैं नीचे की साइड में इसके गोल्डन वाली वही डेकोरेटिव लेस का एक टुकड़ा लगा रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा ये हैवी और लुक दे देगा। जैसे अगर आपकी ड्रेस में कोई और कलर है, सपोज़ कीजिए ब्लू नहीं है, तो उसमें आप साइड में या उसके वाइट वाले कुंदन उतार के कोई दूसरे कलर के कुंदन लगा सकते हैं, जिससे वो आपकी लहंगे की मैचिंग का बन जाएगा। अब हमारे जो ये हमारी नथ रह गई है, नथ रह गई थी, इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इसका टुकड़ा हमने एक कट कर लिया बॉल चेन का, और इस बॉल चेन से अब हम इसकी नथ बनाएंगे। अब हमारे ये कलर्स वगैरह सब सूख चुके हैं। नाक पर भी मैंने हल्का सा, बहुत हल्का सा एक ग्लू गन लगाया और इसको नेल की हेल्प से वहाँ पर दबा दिया और हल्का सा बालों में लाकर यहाँ पर अटैच कर दिया। ये हमारी देवी की नथ बन गई। अब हमारा दुपट्टा और मुकुट सेट करना रह गया है। ये देखिए दुपट्टे को हम इस तरीके से दोनों तरफ बराबर दुपट्टा लेंगे, जहाँ पर हमारा सेटिंग सही बैठे वहाँ पर हल्की सी ग्लू गन लगाकर इसको चिपका देंगे। जब हमारा दुपट्टा सेट हो जाए तो दोनों तरफ हल्का हल्का सा उसको मैं सेट कर रही हूँ ग्लू गन लगाकर। इस तरीके से दोनों तरफ से भी हम चिपका देंगे। अब पीछे से ये उठा उठा ना रहे उसके लिए ये देखिए पीछे से भी मैं इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़ के इसको नीचे चिपका रही हूँ। और पीछे देखिए जो प्लीट्स दी थी उससे हमारा कितना अच्छा सा एक लुक आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये डॉल तैयार होगी। आप चाहें अगर आपको बच्चों के लिए बनानी है इंडियन डॉल तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं क्योंकि नवरात्रों की पूजा के लिए बना रही हूँ, डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ, तो मैं इस पर मुकुट भी लगाने वाली हूँ जो हमने अभी तैयार किया था। ये देखिए मुकुट को पहले लगाकर देखेंगे जहाँ पर हमें सेट लगे, किसको हमें यहाँ पर लगाकर सेट करना है वहाँ पर हल्की सी ग्लू गन लगाकर मैं इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको लगे कि ग्लू गन के कुछ तार वगैरह खींच रहे हैं तो उनको आप हाथ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नवरात्रों के लिए देवी तैयार हो गई है। ऐसी मैं 7 देवियाँ और बना रही हूँ और अगले वीडियो में आपको नवरात्रि की डेकोरेशन का आगे का बताऊँगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।